हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। सो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, वो है हमारा बीएड से रिलेटेड। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि उसके अकॉर्डिंग नाउ द बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल एंड वैलिड फॉर द गेटिंग द टीचर जॉब। सो आप कोई भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अब आने वाले जो है 2030 के बाद। सो एक बीएड प्रोग्राम की जगह एक एनसीईटी ने, जो नेशनल एजुकेशन जो नेशनल काउंसिल फॉर जो एनसीईटी है, उसने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव लॉन्च ए कोर्स। कोर्स का नेम क्या है, दे हैव लॉन्च ए कोर्स। तो उन्होंने एक डिजाइन किया है कोर्स। कौन सा जो कोर्स डिजाइन किया है, उन्होंने एक डिजाइन किया है आईटीई, जो आईटीईपी के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है। तो आईटीपी क्या है, उन्होंने एक 4 ईयर्स का एक कोर्स है वो लॉन्च किया है, जो जो आईटीईपी का मतलब है जो इंटीग्रेटेड टीचर, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन आईटीईपी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो आईटीई, जो इंटीग्रेशन, जो इसको कहते हैं हम, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है। तो एज पर अकॉर्डिंग टू द नोटिस ऑफ द हाई कोर्ट, नाउ आफ्टर द 2030, 2030 के बाद ये जो बीएड है ये एलिजिबल नहीं हो गया, आप इसके लिए कोई भी सरकारी भर्ती योजना में आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। हाँ, वैसे तो आप बीएड वैलिड रहेगा, आप कर सकते हो, बट इट नॉट बी वैलिड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। बट आप बीएड करके आप अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, हायर एजुकेशन में जा सकते हो। उसके अलावा आप जो है आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कोर्स कर सकते हो, ये भी 4 ईयर्स की हो जाएगी जो आपकी बीएड है ये भी। बट इसको रिप्लेस करने के लिए क्या आ गया, आईटीईपी। तो आईटीईपी का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम विच इज लॉन्च बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी ने लॉन्च किया है और साफ साफ कहा है कि 2030 के बाद जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी गवर्नमेंट की, तो उसके लिए जो अगर टीचर बनना है ना आपको, तो उसके लिए आपको ये कोर्स आपको करना जरूरी है आईटीईपी। बट अब पुराने लोगों के लिए जिन्होंने बीएड कर ली उनके लिए वैलिड रहेगा, बट आने वाले, क्योंकि अभी तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, लॉन्च करने जा रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन से आप आईटीईपी के कोर्स डिफरेंट कोर्सेज में आप देख सकते हो। तो यू विल गेट दोज कोर्स इन नेक्स्ट जो कोर्सेज। तो इस कोर्सेज में शामिल है हमारे पास जो एक तो एक ये 4 साल का है और 2030 से लागू होगा। बीएड एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आईटी भी इसकी जगह आ गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो किसने लॉन्च किया, एनसीईटी ने। अब जो भी गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कोर्स है 4 ईयर्स का, ये आपको करना कंपलसरी होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये कंपलसरी हो जाएगा। तो उसके बाद बीएड वालों का क्या होगा, ये भी सवाल है। लेकिन जब 2030 से पहले जिन्होंने भी बीएड कर चुके हैं उनके लिए वैलिड होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बट आफ्टर 2030, और अभी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी शायद बीएड बंद कर देंगे 1-2 साल में, सेशन स्टार्ट हो जाएगा आईटीईपी का। उन्होंने, गवर्नमेंट ने तैयारी कर लिया, तो बहुत सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बीएड के कॉलेज हैं उनमें आईटीईपी प्रोग्राम लॉन्च अब नेक्स्ट सेशन से हो जाएगा, तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 2030 के बाद आईटीपी के तहत ही पूरे उसमें क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा। तो जो भी गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट अगर जॉब लेनी है, तो आगे आने वाले उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इट इज कंपल्सरी टू डू द आईटीपी प्रोग्राम। तो यही इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। तो